गुड मॉर्निंग गाइस, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। और आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किसके ऊपर है। एक्चुअली मैं जा रहा हूँ महिंद्रा का सर्विस स्टेशन। थार में जब गाड़ी चालू करते हैं ना, तो यहाँ पे ना लेफ्ट वाले जो एसी विंड्स है उसके अंदर से ना कट 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 ऐसा आवाज आ रहा है, तो उसको दिखाना है। मैं अभी हूँ आश्रम रोड पे और यहाँ से जा रहा हूँ मैं वस्त्राल, क्योंकि मेरा गाड़ी का सर्विस स्टेशन वस्त्राल में है, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा रहता है। और वहाँ जान पहचान की गाड़ी लिया ना, एक साल हो गया ऑलमोस्ट, तो मैं हर बार वहीं से सर्विस कराता हूँ, तो अच्छा जान पहचान है तो अच्छा रहता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ वस्त्राल, तो आपको भी मैं बताता रहूँगा क्या क्या करवाते हैं, कितना खर्चा आ रहा है पता नहीं। एक्चुअली हम आबू गए थे, आपने देखा होगा व्लॉग, तो आबू गए थे तब से ही आवाज़ चालू हो गया है। पता नहीं किस चीज़ का आवाज़ आ रहा है, शायद फैन का ही है या कुछ टच हो रहा है उसका आवाज़ है। अभी हम पहुंच गए सुभाष ब्रिज सर्कल। तो रियर फ्रंट होके फिर जाएंगे साइबक वाला जो रोड है एयरपोर्ट वाला, वहां से। तो अभी रिवर फ्रंट के ऊपर है, यहाँ थोड़ा यहाँ भी ट्रैफिक तो रहता ही है, पर सिटी के हिसाब से कम रहेगा। जो अपने मेन जो आश्रम रोड होके अगर जाते हैं दिल्ली दरवाजा होके, तो बेटर है कि ये रास्ता लिया है। एटलीस्ट यहाँ ट्रैफिक रुकता नहीं है, मूविंग ट्रैफिक रहता है, तो एक प्लस पॉइंट यही है। और वहाँ पे क्या है ना, आपको 15-20 मिनट के लिए ट्रैफिक रुक ही जाएगा, कोई ना कोई उल्टा पुल्टा अंदर गाड़ी घुसा ही देगा आपका। यहाँ पे ना ये आ गया है, राइट साइड में जो आपको दिख रहा है वो हनुमान कैंप है, आर्मी का जो कैंप होता है वो है शाहीबाग में, तो राइट साइड में यही है। यहाँ सैटरडे को बहुत भीड़ लगता है। साहिबाग वाले रोड पे जा रहे हैं एयरपोर्ट वाले रोड से, देखते हैं क्या होता है, कितना खर्चा होता है आज का। महंगा गाड़ी रखने का नुकसान यही होता है कि अगर खर्चा आता है ना तो बहुत सारा खर्चा आ जाएगा। रिटर्न में जब आएंगे तब इतना ट्रैफिक नहीं रहेगा दोपहर में, ये सुबह ऑफिस टाइमिंग है इसीलिए शायद ज्यादा ट्रैफिक है। और हम इसलिए निकले हैं कि दोपहर तक हम फ्री हो जाए, क्योंकि गाड़ी रखना था नहीं, मैं सोचा कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, बस खाली आवाज़ आ रहा है वही है, तो इसलिए सोचा कि खड़े खड़े ही करवा देंगे, आ जाएंगे। ये है सर्कल, इसमें जाना है सीधा, आगे ना इंदिरा सर्कल आएगा। अभी जहाँ से लेफ्ट साइड आप जाओगे तो मदर डेयरी होके आप गांधीनगर जा सकते हो, और हमको जाना है सीधे, तो सीधे जाके नरोड़ा जो अंडर पास है वहां से हम सीधा रास्ता ले लेंगे नारोल वाला, वो थोड़ा बेटर रहेगा। दो तीन रास्ते हैं, आप रिंग रोड से भी जा सकते हैं, पर रिंग रोड पे अभी ऐसा ही हो गया है ऑलमोस्ट, ट्रैफिक तो हो ही जाता है। वेदर काफी अच्छा हो गया है आज, इतने बारिश होगा। एयरपोर्ट का पीछे का हिस्सा है, का शोरूम है, हुंडई भी है, सभी शोरूम इस तरफ ही है लेफ्ट साइड में। आपको ब्रिज के नीचे की तरफ जाना है। अगर किसी को पता नहीं है तो रिवोल्ट का दो ही शोरूम है अहमदाबाद में, एक आश्रम रोड पे है जो हयात है उसके बाजू में, और दूसरा है ये वाला जो ये ब्रिज है जो नरोड़ा GIDC का, उसके बिल्कुल नीचे ही है। तो और सर्विस स्टेशन आपका सिर्फ नरोड़ा में ही है, ये वाला जो शोरूम है यहाँ पे सर्विस स्टेशन चलता है रिवोल्ट इलेक्ट्रिक बाइक का, कि आश्रम रोड पे जो है ना वो खाली शोरूम ही है, वहाँ सर्विस स्टेशन नहीं है। तो अगर जिसके पास भी है अगर उनको आना है ना, तो आप यहीं पे डायरेक्ट आ जाइएगा, वहाँ जाएंगे तो आपको धक्का होगा। आज का वेदर ना बहुत ही मस्त हो गया है, मज़ा आ जाए, लॉन्ग ड्राइव पे चल जाए ऐसा हो रहा है सही में। आपको दिख रहा होगा जब मैं फ्रंट व्यू करता हूँ तो बहुत ही अच्छा, AC भी कम ही कर दिया है मैंने। नरोड़ा पाटिया हम आ गए हैं, यहाँ से हम लेफ्ट ले लेंगे,
ये सर्कल पे ना हमेशा ट्रैफिक रहता ही है, लेफ्ट साइड दबा के ही रखते हैं हम। बहुत ही जाम लगा हुआ है सुबह सुबह ना, ये सर्कल हमेशा ऐसी दिक्कत करता है। ये काका ना जो आगे खड़े हैं ना एक्टिव वाले की, बहुत ही डेंजर चला रहे हैं। कब से मेरे आगे ऐसे इधर उधर जगह मिल रहा है ना, घुसते ही जा रहे हैं। अपने को डर लगता है कहीं टच ना हो जाए, देखने जैसे ही खुलेगा ना कहीं घुसा देंगे। 3 बार सिग्नल बंद हुआ है, अभी भी नंबर नहीं आया है। अभी 1 बार और बंद होगा, क्योंकि ना इतना लंबा जाम है, सिग्नल भी मुझे दूर ही दिख रहा है, तो जल्दी आएगा ही नहीं। अभी 1 बार खुल के और बंद है, पता नहीं कितनी सेकंड के लिए खुलता है, तुरंत ही बंद हो जा रहा है, और 100 सेकंड के लिए तो बंद ही रहता है, पता नहीं यार। तो एक्चुअली थोड़ी देर लिए खुला रहे तो भी पब्लिक निकल जाएगा, 15 सेकंड के लिए शायद खुल रहा है। ये तो आपको निकोल वाला रोड चालू हो जाएगा, और आप राइट साइड जाओगे तो सीधे आप बापू नगर श्याम शिखर जाओगे। यहाँ भी पहले ट्रैफिक तो रहता ही था, हालांकि ब्रिज बनने से थोड़ा कम हो गया है, तो इतना ट्रैफिक तो यहाँ नहीं होगा। देखते हैं, ये राजेंद्र पार्क आ गया है, यहाँ से लेफ्ट साइड ले लेंगे हम, सीधा अर्बुदा होके हम निकल जाते हैं रिंग रोड पे। पूरा राजेंद्र पार्क रोड है, सीधा रोड आपको अर्बुदा जाएगा। ना रिंग रोड हम पहुंच गए हैं, अब यहाँ से राइट साइड लेंगे तो सीधा अपने ना वो वाला रोड आ जाएगा रिंग रोड, तो वहां से एकदम पास में ही है, बस यहाँ पहुंच गए, मतलब आप पहुंच गए फाइनली। रोड क्रॉस करना है ना तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। अच्छा ये रहा, ये पेट्रोल पंप के बाजू में ही एग्जिट है, तो दिख ही जाएगा। हाँ ये पेट्रोल पंप के बाजू में, और जो सामने ब्रिज है वो मेट्रो ब्रिज है, जहाँ से मेट्रो स्टार्ट होती है, जो वस्त्राल से जो फाइनल स्टेशन है इसका, यहाँ से मेट्रो स्टार्ट होती है और आगे जाती है। तो गए हैं पर अभी पार्किंग देखते हैं, क्योंकि गाड़ी पार्क कराएंगे उसके बाद जाते हैं अंदर, क्योंकि इतनी गाड़ियां लगी हुई है ना, तो जगह ही नहीं है उनके पास। तो चलिए पार्क करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पे ना ये वाला जो है ना फुट ब्रिज वो नया बना है, चलिए अभी पहली बार हम जा रहे हैं, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो कुछ ऐसा है, यहाँ से आपको ये पूरा रिंग रोड दिखेगा यहाँ से। अच्छा ही किया है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक इतना है ना कि रोड क्रॉस करने में बहुत दिक्कत करता है। अच्छा ही है, ये पुराना रिंग रोड है, चलिए हम यहाँ से घूम के जाते हैं। ये पुराना यहाँ से सर्कल होता है, यहाँ से लेके यहाँ से, ये ऑटो की तरफ का रिंग रोड है। बढ़िया है, ट्रैफिक का झंझट ही नहीं, कि हम यहीं उतर जाएंगे इधर से ही। अब आगे से भी उतर सकते हैं, पर वहाँ से ना हमें चल के आना पड़ेगा, हमें जाना है नीचे क्रोमा में, तो यहीं से उतर जाते हैं। ये रहा क्रोमा, ये है महिंद्रा का सर्विस स्टेशन महालक्ष्मी ऑटो। तो आप ये जो है ये एग्जैक्ट ना ये वस्त्राल जो सर्कल है ना रिंग रोड के ऊपर, उसके पास में ही है, तो आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, और यहीं पे सर्विस करवाया है, बहुत ही बढ़िया सर्विस है, काफ़ी बात है, छोटा मोटा काम के लिए तो चार्जेस भी नहीं कहते हैं वो लोग, तो काफ़ी अच्छा है। चलिए देखते हैं अपना थार हुआ है कि नहीं। तो मैं घर पर आ गया हूँ, एक्चुअली वहाँ पर क्या ना था ना, मुझे शोरूम में उन्होंने मना बोल दिया कि आप वीडियो मत कीजिएगा, तो इसीलिए फिर चलो कोई नहीं। तो जो आगे एसी के वेंट में से जो आवाज़ आ रहा था ना,
जो मैं वीडियो आपको डाल दूंगा अंदर। कैसा आवाज़ आ रहा था वो सॉल्व कर दिया है और उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया है। क्लच वच जो भी रिपेयर करना था उन्होंने कर दिया है, जो लूज़ हो गया था तो कोई पैसा चार्ज नहीं किया है उन्होंने। जो सॉकेट का थोड़ा प्रॉब्लम था, जो फ़ैन और मोटर के बीच में जो लगता है वो थोड़ा लूज़ हो गया था, तो ठीक करके दे दिया है। तो सर्विस बहुत अच्छा है। अगर आपको भी करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एड्रेस का, और वहाँ का जो सर्विस मैनेजर है उनका भी नंबर मेंशन कर दूंगा। बाई चांस अगर आपको वहाँ जाना है तो आप एक बार कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, तो आपको क्या धक्का ना हो जाए वहाँ जाके। तो चलिए मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ।